मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे उड़द की दाल गोश्त, जिसके लिए हमने ये आधा किलो गोश्त लिया बोटियों वाला और 250 ग्राम हमने ये उड़द की दाल ली काली वाली, और उसके साथ हमने ये एक प्याज काटी है, इससे हम गोश्त को भंगा देंगे। और इसके साथ हम ये गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले में हमने एक चम्मच जीरा लिया, 3-4 हमने लौंग लिए, 5 से 7 हमने काली मिर्च लिए, 2 छोटी इलायची लिए और 1 छोटा थोड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 2 तेज़पात लिए हैं। और उसके बाद हमने 1 चम्मच भर के ये मिर्ची ली है लाल वाली, और 1 चम्मच भर के हमने धनिया लिया है, 1 चम्मच भर के हमने हल्दी ली है, और जायके के हिसाब से हमने ये नमक लिया है, और 2 चम्मच हमने लिया है लहसुन अदरक, और उसके साथ हमने हरा धनिया लिया है। ये हम हरा धनिया तैयार होने के बाद डालेंगे, और ये हरी मिर्च और 1 टुकड़ा हमने ये लिया है अदरक का, और ये गरम मसाला है ये हम ऊपर से भंगार कर लेंगे जब तैयार हो जाएगा, जब डालेंगे और भंगार में ही हम ये हींग डालेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं उड़द की दाल गोश्त। हमें तेल डाल लिया और उसके अंदर हम ये प्याज डालेंगे, प्याज को हम हल्की गुलाबी कर लेंगे। देखिए ये हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो गई है। अब हम इसके अंदर ये गरम मसाला डालेंगे, और गरम मसाला डालने के बाद में अब हम इसके अंदर ये गोश्त डालेंगे। देखिए हमने ये गोश्त डाल दिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डाल के हम थोड़ा सा इसको गोश्त को भून लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मसाला। थोड़ा सा अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे गोश्त को मसाले के अंदर। देखिए 2 मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को भूनते हुए। अब हम इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डाल देंगे गोश्त के गलने तक। गलने के हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। और इसके अंदर हम 2-3 सीटी लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गोश्त ये गल जाए। ये हमने 2 सीटी लगाने के बाद में कुकर को खोल लिया था, और अभी जो हमारा जो ये गोश्त है वो अभी पूरी तरीके से गला नहीं है। देखिए पूरी तरीके से गला नहीं है, लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, और इसके अंदर हम अदरक डाल देंगे। और इसको हम खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए भून भी रहा है। ये औरत की दाल गोश्त दिल्ली में भी और यूपी में बहुत शौक से खाया जाता है, और बहुत शौक से बनाया भी जाता है। देखिए ये हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, और ये हमारा गोश्त जो है भूनने लगा है, और इसका जो है हल्का हल्का घी भी निकल के आने लगा है। अभी हम थोड़ा सा और भून लेंगे इसको। देखिए ये खूब अच्छी तरीके से मसाला भून गया, और इसके अंदर अब हम दाल डालेंगे। इसके अंदर अब हम दाल डालेंगे।
ये दाल को हमने आधे घंटे के लिए बीन के भिगो दिया था खूब साफ करके धो के, और अब हम इसके अंदर ये दाल डाल रहे हैं। हमारा जो आधा गोश्त जो अभी बाकी रह गया गलने से, वो अब हमारा ये दाल के साथ गलेगा। हमने बस इसमें बस दो ही सीटी लगाएंगे। देखिए हमने इसके अंदर ये दाल डाल दी है, और हमने दाल गलाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, लगभग दो गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। और हम इसमें अब तीन सीटी लगा लेंगे दाल डालने के बाद में। ये बहुत आसानी से बनने वाली दाल गोश है। थोड़ा सा हम पानी इसमें और डालेंगे। अब हम इसके अंदर तीन ये चार सीटी लगा लेंगे, और सीटी लगाने के बाद में फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने ये दो सीटी लगा ली थी, दो तीन सीटी लगा ली थी, और दो तीन सीटी लगाने के बाद में हमने ये कुकर खोल लिया, और देखिए हमारा ये गोश्त भी अच्छे से गल गया, और हमारी दाल भी देखिए कितनी अच्छे से तैयार हुई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसमें हम गर्म मसाला डालेंगे। ये हमने गरम मसाला डाला है, और गैस को हम बिल्कुल बंद कर देंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे, हमने ये थोड़ी सी हरी मिर्च काटी थी, हमने हरी मिर्च डालेंगे। देखिए हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, और गरम मसाला भी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर भंगार करेंगे। देखिए भंगार के लिए हमने इसके अंदर तेल डाला है, एक चम्मच तेल डाला है हमने, और तेल डालने के बाद में हम तेल को गरम कर लेंगे। देखिए तेल हमारा गरम हो गया, अब हम इस तेल के अंदर प्याज डालेंगे। प्याज हमारी लाल हो जाए, फिर प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर देखिए हमने तीन चार हरी मिर्चें ली हैं, वो हमने एक में से दो कर ली हैं बीच में से, और हमने ये आधा चम्मच हमने जीरा लिया, और आधे चम्मच से भी कम हमने ये हींग लिए। अब हम ये इसके अंदर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भंगार तैयार है, इसके अंदर ये भंगार डालेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया। अब हमारी ये उड़द की दाल गोश्त तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारी उड़द की दाल गोश्त तैयार है, इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा देसी घी, जिससे कि इसके अंदर और चार चांद लग जाएंगे। ये यूपी स्टाइल उड़द की दाल गोश्त, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिए। आपकी ख्वाहिशों के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।